अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है, चैप्टर 3 चल रहा है हमारे पास। एग्जांपल है 3.3। वो कहता है कि दो इनफाइनाइट ग्राउंडेड मेटल प्लेट्स हैं, यानी जिन दोनों का पोटेंशियल जीरो है, पैरेलल हैं एक्स जी प्लेन में, आपको एक्स जी प्लेन में दिखाई दे रही है। एक उसका जो एंड है वाई जीरो, यानी जो निचला सिरा है, और दूसरा कहाँ है वाई हाइट पे, ए हाइट पे है वाई एक्स। वो कहता है जो लेफ्ट एंड है एक्स जीरो का, उसे क्लोज किया गया है, एक इनफाइनाइट स्ट्रिप है, इंसुलेटेड है दो बिटवीन द प्लेट, उनके दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ताकि मेंटेन रहे वी नॉट वाई के साथ। हमने से पोटेंशियल पूछ रहा है इन साइड दिस स्लॉट, इस स्लॉट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा। अब बुनियादी तौर पे ये हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है उसमें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट की मदद से इसको सॉल्व करने वाले हैं, उसकी एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैपलेस इक्वेशन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट में क्या होती है, वो हमने लिख दी। अब आप जानते हैं कि इसमें सारा कुछ वाई और एक्स की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी कन्फिग्रेशन है उसमें जी एक्सिस का कोई किरदार नहीं है, तो हम इसको सिर्फ टू डायमेंशन तक ले जाते हैं, तो हम इसमें से जी वाला फैक्टर रिमूव कर देंगे, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। अब जितनी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं जब वाई जीरो है तो तब भी आपका पोटेंशियल जीरो है, जब आए आपका ए पे है तब भी पोटेंशियल जीरो है, जब एक्स जीरो है तब आपका पोटेंशियल वी नॉट वाई है, और जब आपका एक्स इनफाइनाइट है तब भी पोटेंशियल जीरो है। तो ये तमाम पोटेंशियल आपके स्पेसिफाइड है बाउंड्री पे, तो इसका मतलब हमारे पास एक यूनिक आंसर आना चाहिए, यानी अब हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन वन है इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से वी को हम एक्सप्रेस कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के तौर पे। जैसे आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं वी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे एक्स और वाई, एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है, साथ मेंशन भी कर दिया। तो चूंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो एक दफा एक्स से दो दफा डिफरेंशियल करेंगे, एक दफा वाई से दो दफा डिफरेंशियल करके जमा कर देंगे, फिर सारी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे यहाँ पे वन ओवर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वन ओवर वाई आ जाएगा। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका सम एक कॉन्स्टेंट के बराबर जो इस वक्त तो जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे हर ईच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, तो हर टर्म का एक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेते हैं। मेजेंडा को हम C1 कह देते हैं, ग्रीन को C2 कह देते हैं, तो अगर ये C1 है ये C2 है तो C1 प्लस C2 मिलकर जीरो होने चाहिए, जैसा कि ये जीरो है। अब हम कह देते हैं कि C1 के स्केयर है, तो C1 की जगह के स्केयर लगा के एक्स इस तरफ आ जाएगा, ये एक्स दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मान गई। इसी तरह C2 को हम बराबर कर लेते हैं माइनस के, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास वाई मल्टीपल हो जाएगा नेगेटिव, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन हम जानते हैं, इन दोनों के अगर हम कहें एक्स वाली का सोल्यूशन ए ई की पावर के एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स आ जाएगा, और वाई वाले का इस वाले का चूंकि बीच में प्लस का साइन है, तो हम कह सकते हैं सी साइन के वाई प्लस डी कॉस के वाई लिखा जा सकता है। अब ये दोनों सॉल्यूशंस हम जानते हैं इसमें प्लेस किए जा सकते हैं एक्स और वाई में, तो यही काम करना है कि हम इन दोनों को जानते हैं तो इन दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी। तो ये क्वेश्चन 7 एक सॉल्यूशन है, मगर इसमें चार ऐसे आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, जिनकी वैल्यूज हमें मालूम करनी पड़ेगी ताकि हम पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। तो हम बाउंड्री कंडीशंस को सेट ले आते हैं। बाउंड्री कंडीशन 4 कहती थी कि वी जीरो है जब आपके पास एक्स इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब अगर हम x को इनफाइनाइट कर देते हैं तो यहाँ पे ये फैक्टर अकेला a बच जाएगा, तो इसका मतलब इस फैक्टर में अब आपके पास a को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी पे जाता है तो ये टर्म इन्फिनिटी पे जाती है, जबकि हम जानते हैं कि उसके वहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो है, तो v तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब a को जीरो करना पड़ेगा। बाकी b आ गया, इस कांस्टेंट को अंदर जरा देके सी और डी के साथ इकट्ठा कर देते हैं, यानी अब्सॉर्ब करवा देते हैं सी और डी में, तो रिमेनिंग फैक्टर ये बच जाए e की पावर माइनस के साइन के वाई और प्लस डी कॉस। अब हम जानते हैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये कहती थी कि वी जीरो है तो वाई जीरो, जब वाई जीरो है तो वी जीरो होगा, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि डी जीरो होना पड़ेगा। क्यों?
क्यों आप समझ सकते हैं कि अगर हम y जीरो करेंगे cos 1 आ जाएगा, cos 1 आ जाएगा तो आपके पास इस जगह पे तो फिर d है आपके पास, हम जानते हैं जबकि पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए, तो d को भी जीरो करना पड़ेगा, तो ये आ गया। फिर हम जानते हैं कि भाई आपके पास पोटेंशियल जीरो है जब y a है, तो ये सिचुएशन डिमांड करती साइन के ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से तभी जीरो हो सकता है अगर k की वैल्यू n पाई बाई a ली जाए, ये वैल्यू उठा के हम इसमें प्लेस कर सकते नाइन में, तो ये इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। अब तमाम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी मास वाई थर्ड के, इक्वेशन थर्ड बाउंड्री कंडीशन थ्री नहीं लगाई, तो बाउंड्री कंडीशन थ्री आपके इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम इसका एक जनरल सोल्यूशन मजीद कंसिडर करते हैं। समेशन लगा लेते हैं एन वन से इन्फिनिटी, सी के साथ एन लग जाता है, बाकी फैक्टर वैसे ही है। अब हम कहते हैं जो सोल्यूशन है का वो अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सी एन की वैल्यू नहीं निकाली, तो बाउंड्री कंडीशन थ्री कहती है कि वी वी नॉट के बराबर वाई के बराबर होगा जब एक्स जीरो होगा। अगर हम इस इक्वेशन में एक्स जीरो कर दें तो ये फैक्टर वन हो जाएगा, तो इसका मतलब रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा, एक्स जीरो किया ना तो अब आपके पास ये वी नॉट वाई के बराबर कंसिडर हो जाएगा, तो इस अब ये सम ऑफ फोरियर सीरीज आ गया आपके पास। हम कहेंगे कि जो इक्वेशन 13 है इसके दोनों तरफ साइन एन प्राइम एक्स ए इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन प्राइम एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से, तो लेफ्ट साइड पे भी साइन एन प्राइम एक्स बाई ए वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट से भी और डी से इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस सारे के दो जवाब पॉसिबल हैं, अगर एन और एम प्राइम बराबर नहीं है तो ये जीरो आ जाएगा, अगर एन और एन प्राइम बराबर है तो ये बाई टू आ जाएगा। हम कह लेते हैं कि हम एन और एम प्राइम को बराबर मानते हैं, तो ये सारी चीज बराबर आ गई किसके, ए बाई टू के, तो इसका मतलब अब हम इस सारी चीज को ए बाई टू और साथ में सी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें तो सी एन की वैल्यू चाहिए, सी एन को इधर ही रखेंगे ये टू बाई ए बन के दूसरी तरफ चला जाएगा, इसमें से वी नॉट बाहर उठा लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब आपके पास कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा, ए ए से कट जाएगा, बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो ये कॉस एन पाई माइनस वन, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ये नेगेटिव अंदर कंज्यूम कर लेगा, तो ये सी एन की वैल्यू आ गई। अब वन माइनस एन कॉस एन पाई जीरो हो सकता है अगर एन की वैल्यू इवन हुई, तो सी एन जीरो हो गया सारा, एन की वैल्यू अगर ऑड कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू टू दे सकता है, तो इसका मतलब अगर हम इसे ऑड कंसिडर कर लेंगे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टू वी नॉट ओवर एन पाई आ जाएगा, फोर बन जाएगा वो, तो हम इसे ऑड ही कंसिडर करते हैं, तो इसकी वैल्यू देखो एन की वैल्यू 135 से इन्फिनिटी हम कर लिया अब हमने, और इस सारे की वैल्यू प्लेस कर दी है, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन 15 में हमने डाल दिया इसमें, तो अब आपके पास जो सी एन हमारा मिसिंग था वो वैल्यू पता लग चुकी है, उस वैल्यू को प्लेस कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा जो इन साइड द इंक्लोजर पॉइंट है हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये हमारा रिजल्ट है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब तक के लिए इतना ही, पक्के इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, ओके अल्लाह हाफिज़।